नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं आज तक भारत। एक बार फिर देश भर में समान नागरिक संहिता को लेकर चर्चाएं तेज है। उत्तराखंड में UCC लागू होने के बाद सभी धर्मों के लिए कुछ विशेष मामलों से जुड़े नियम समान हो जाएंगे। उत्तराखंड में मंगलवार को पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को विधानसभा में पेश किया। उत्तराखंड विधानसभा में जैसे ही विधेयक पेश हुआ, मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध किया। हालांकि विधेयक पर चर्चा अभी भी बाकी है, जिसके बाद इसे पारित किया जाएगा। मुस्लिम धर्मगुरु और स्कॉलर UCC को लेकर विरोध जता रहे हैं। उनके मुताबिक UCC का आना पर्सनल लॉ बोर्ड में छेड़छाड़ जैसा है। आज हम आपको UCC के नियम की वॉक से मुस्लिम धर्मगुरुओं की चिंता का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि ये लोग बहुविवाह, बाल विवाह और हलाला जैसे नियमों के खिलाफ बने UCC से परेशान है। आइए जानते हैं कि UCC से मुसलमानों को क्या दिक्कत हो रही है। भारत में अलग अलग धर्मों के अपने अपने कानून है। मुस्लिमों में मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाया गया है। अभी मुस्लिमों पर मुस्लिम पर्सनल एप्लीकेशन एक्ट यानी शरीयत 1937 में लागू होता है। अगर समान नागरिक संहिता लागू होती है तो ये कानून खत्म कर एक सामान्य कानून का पालन करना होगा। आइए जानते हैं कि शरीयत के नियम और UCC के नियम में कहाँ टकराव हो रही है, जिससे मुसलमानों को समस्या आ रही है। बात करते हैं शादी की उम्र की, तो भारत में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल रखी गई है, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में लड़की के लिए 15 साल के बाद शादी की इजाज़त दी गई है। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम बनाया गया है, जिसके चलते नाबालिग लड़कियों की शादी अपराध के अंतर्गत आती है। इस तरह ये मुस्लिम पर्सनल लॉ को पूरी तरीके से चुनौती देता है। UCC आने के बाद शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। मुसलमान तलाक को लेकर शरिया कानून के अनुसार चलते हैं। इतना ही नहीं, मुसलमानों को पर्सनल लॉ में छूट मिलती है, जो कि और धर्मों के स्पेशल मैरिज एक्ट से अलग है। इसके अलावा तलाक लेने के मामले में अगर कोई शख्स कानून तोड़ता है तो उसके लिए 3 साल की जेल का प्रावधान होगा। तलाक पर पुरुषों और महिलाओं का बराबरी का अधिकार होगा। अगर महिला दोबारा शादी करना चाहती है तो उस पर किसी भी तरह की कोई शर्त नहीं होगी। इसके अलावा इद्दत पर पूरी तरह से रोक होगी। अब एक सवाल ये भी उठता है कि इस्लाम में इद्दत या इदाह किसे कहते हैं। किसी महिला के तलाक या उसके पति की मृत्यु के बाद वह अवधि है जिसका पालन करना उस महिला के लिए अनिवार्य है। इस अवधि के दौरान वह किसी और पुरुष से शादी नहीं कर सकती है, यानी कि इद्दत एक तरह का वेटिंग पीरियड होता है, जिसे मुसलमान महिला को अपने पति की मौत या तलाक के बाद पूरा करना होता है। उसमें तलाक के लिए 3 महीने 10 दिन की इद्दत होती है, और अगर पति की मौत हो जाए तो ये टाइम पीरियड 4 महीने 10 दिन का होता है। इद्दत के दौरान महिला को किसी गैर मर्द से मिलने की इजाजत नहीं होती है और वो पूरे तरीके से पर्दे में रहती है। अब आते हैं गुजारा भत्ता पर। तलाक के बाद महिला को गुजारा भत्ता के मामले में मुसलमानों में अलग नियम है। इसके तहत मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को इद्दत की अवधि यानी कि तलाक के 3 महीने 10 दिन तक ही गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य है। वहीं भारतीय कानून के तहत महिला तलाक के बाद हमेशा के लिए यानी जब तक महिला दूसरी शादी नहीं करती है तब तक गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। अब आते हैं संपत्ति का बंटवारा। मुस्लिम महिलाओं में संपत्ति के बंटवारे का हिसाब किताब अलग है। जिस तरह हिंदुओं का विरासत कानून कहता है कि हिंदुओं में बेटा और बेटी को संपत्ति में बराबर का हक है, इस तरह मुस्लिमों में नहीं है। यही वजह है कि मुसलमानों के इस मामले में हस्तक्षेप का डर है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो पॉइंट है बहुविवाह। बहुविवाह यानी कि एक पत्नी के होते हुए और शादियां करना। मुसलमानों में 4 शादियों की इजाजत है। हालांकि भारतीय मुसलमानों में एक से ज़्यादा शादी का चलन हिंदुओं या दूसरे धर्मों की तरह ही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा के अनुसार 2019 से लेकर 21 के दौरान 1.9% महिलाओं ने माना है कि उनके पति की दूसरी पत्नियां हैं। उससे पता चलता है कि मुसलमान 4 शादियों के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन वो शरीयत के साथ छेड़छाड़ नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि वे UCC के खिलाफ है। अब अगला पॉइंट आता है
है गोद। इस्लाम में किसी शख्स को गोद लेने की इजाज़त नहीं है। अगर भारत की बात करें तो यहाँ गोद लेने का अधिकार है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के कारण मुसलमानों को इस कानून से बाहर रखा गया है। ऐसा होने के चलते कोई बे औलाद शख्स किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकता है। अब आते हैं बच्चे की कस्टडी पर। मुसलमानों पर लागू होने वाले शरीयत कानून के अनुसार पिता को लड़का या लड़की दोनों का नेचुरल गार्जियन माना जाता है। माँ की बात करें तो माँ अपने बेटे की 7 साल की उम्र पूरा होने तक की कस्टडी की हकदार है, जबकि बेटी के लिए माँ तब तक की कस्टडी की हकदार है जब तक उस बेटी की यौवन न प्राप्त कर ले। ये सारे पॉइंट्स हैं जो यूसीसी और शरीयत में टकराव डाल रहे हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों को दिक्कत हो रही है। इन सारे पॉइंट्स पर और मुसलमानों की दिक्कतों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आप तक और जानकारी पहुंचा सकें।